एक बिलियनर दुनिया के 5 सबसे जीनियस और हाई आईक्यू रखने वाले बच्चों को अपने घर में ट्रैप करता है और उन्हें एक टाइम फ्रेम में कुछ मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए देता है। अगर ये मिस्ट्री सॉल्व करते हैं तो उन्हें बाहर जाने मिलेगा, वरना हमेशा के लिए ये लोग इस घर में ट्रैप होके रहेंगे। अब ये हाईली इंटेलिजेंट बच्चे उन पहेलियों को कैसे सॉल्व करते हैं, यही आज की कहानी में हम देखेंगे। द हाउस कहानी की शुरुआत में काफी सारे न्यूज चैनल्स हमें दुनिया के सबसे बड़े बिलियनर और जीनियस एटिकस वर्चू के बारे में बताते हैं कि कैसे एटिकस एक ऐसा आदमी है जो दुनिया को एक अलग दिशा में लेकर जाने वाला है। हाल ही में उसने एक बहुत ही बड़ा AI भी बनाया है, उसने मार्स पर रॉकेट भी भेजा था। ऐसे कई चर्चों से हम एटिकस वर्चू को देखते हैं, जो एक घर में आकर हेवन नाम का एक AI प्रोग्राम एक्टिवेट करता है। अब इसी से कहानी मुड़ती है कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर। सबसे पहले होती है मैक्स, जो अपने माँ और भाई के साथ रहती है। वो एक हैकर है, किसी भी प्रोग्राम को आसानी से हैक कर सकती है। जब वो 5 साल की थी तभी उसके पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे। वो आज भी अपने पिता के आने का इंतजार कर रही है। इसी ट्रॉमा के कारण वो सोशली ऑकवर्ड हो गई है और ज्यादा किसी से बात नहीं करती। पिता ने घर से जाने से पहले उसे एक गिफ्ट दिया होता है, जो कि एक छोटी सी पेन ड्राइव होती है। अब अगली लड़की होती है सोफिया, जो एक इन्फ्लुएंसर है और स्वभाव में बहुत ही ज्यादा खड़ूस होती है। बाकी लोगों को वो अपने से नीचे समझती है और उसे पैसे का बहुत ही घमंड होता है। फिर हम कॉनर को देखते हैं, जो एक फुटबॉल चैंपियन है और लड़कियों में बहुत ही फेमस है। फिर हम एडन को देखते हैं, जो स्कूल का एक बुली है। और आखिरी होता है बेनी, जो सिर्फ प्रोग्रामिंग की दुनिया में ही खोया हुआ रहता है। ये बच्चे दिखने के लिए तो साधारण है, लेकिन जीनियस होते हैं। एक दिन इनके स्कूल में एटिकस होलोग्राम के जरिए सारे स्टूडेंट्स को बताता है उन्होंने स्कूल से 5 बच्चों को अपने एक मुकाबले के लिए चुना हुआ है। जो भी स्टूडेंट वो गेम जीतेगा उसे एटिकस अपना हाई टेक मैंशन गिफ्ट में देगा। अब उन स्टूडेंट्स का नाम घोषित किया जाता है और हमें पता चलता है कि यही 5 लोगों को इनवाइट मिला है, जिसके बारे में हमने पहले सुना था। अब उसी रात को ये लोग अब एटिकस के उसी मैंशन में चले आते हैं। एटिकस का एक्सपेरिमेंटल AI यानी कि हेवन इस घर को चलाता है, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वही एक नाइट के पहराव में रोबोट्स भी होता है। अब डिनर करते वक्त अचानक से एटिकस होलोग्राम पे आ जाता है, जो इन्हें घर में वेलकम करता है और बताता है कि उसने बलून्स में हवा भर के इन्हें वेलकम करने की पूरी कोशिश की है। आगे वो कहता है कि वो अभी फिलहाल प्लेन से ट्रैवल कर रहा है। तभी ईडन पूछता है कि गेम कब शुरू होगा, तो एटिकस इसका जवाब देता है कि अपने समय पर ही शुरू होगा। तब तक तुम लोग यहाँ पर रखे हुए चॉकलेट, स्वीट्स और कैंडीज जितना खा सकते हो खाओ। अब डिनर के बाद ये लोग एक रूम में जाते हैं कि तभी अचानक से घर की पूरी लाइट्स चली जाती है और घर पूरा लॉकडाउन में चला जाता है, जिससे उन्हें समझ आता है कि गेम अब शुरू हो गया है। तभी AI हेवन इन्हें बताता है कि डोर खोलने के लिए इन्हें एक पासवर्ड ढूंढना होगा। अगर तीनों बार पासवर्ड गलत निकला तो ये लोग हमेशा के लिए इधर ही कैद होंगे। अब यहाँ सोफी को लगता है कि उसके फोन का पासवर्ड और इस डोर का पासवर्ड सेम होगा, इसीलिए वो 9999 ये नंबर उस पासवर्ड में डालती है, लेकिन ऑफकोर्स वो रॉन्ग होता है और सब लोग उसे गालियाँ देते हैं। अब मैक्स सबको रूम में ही क्लूज ढूंढने के लिए कहती है और तभी चॉकलेट्स की जार देख उसे याद आता है कि एटिकस ने उन्हें चॉकलेट खाने के लिए कहा था, इसीलिए अब ये लोग कैंडीज को गिनना शुरू कर देते हैं और एक नंबर निकालते हैं और अब वो नंबर पासकोड में डालते हैं, लेकिन वो भी गलत निकलता है। लेकिन मैक्स को पूरा भरोसा होता है कि चॉकलेट में ही कहीं ना कहीं क्लू है। तभी बेनी बताता है कि गिनती करते वक्त उसने गलती से 2 चॉकलेट खा लिए थे, जिसके बाद उन 2 चॉकलेट्स को काउंट करने के बाद जो नंबर निकलता है वो उसे एज अ पासवर्ड डालते हैं और फाइनली डोर ओपन हो जाता है इस गेम। लेकिन अब इस गेम का विनर मैक्स के बजाय, अब ये आइडिया होती है मैक्स की, लेकिन गेम का विनर मैक्स के बजाय ईडन को घोषित किया जाता है क्योंकि उसने कोड डाला था। अब आगे ये लोग बंगलोज के अलग अलग रूम्स देख रहे होते हैं कि तभी मैक्स को बेसमेंट में जाने का एक रूम मिलता है। तो हेवन बताती है कि बेसमेंट में एटिकस ने मेरा मदरबोर्ड यानी मेन प्रोग्राम को रखा है और उस रूम को खोलने के लिए एक स्पेसिफिक इंसान की ब्रेथ यानी सांस लगेगी। खैर अब ऊपर आने के बाद सभी लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं क्लूज ढूंढने के लिए। वही ये AI हर एक को मॉनिटर कर रहा होता है।
यहाँ पे ईडन एक तिजोरी खोलने का पासवर्ड सोच रहा होता है। उसे सबसे ज्यादा पॉइंट्स पाने थे, इसीलिए एआई हेवन उसे एक एलिवेटर ढूंढने के लिए देती है। वही मैक्स और ईडन दोनों अपनी एक टीम बनाते हैं। तो यहाँ सोफी को पूरे मैंशन में ढूंढने के बाद एक वॉशरूम मिल जाता है, जहाँ जाने के बाद भी वो अपनी सेल्फीज खींचने लगती है। और तभी अचानक से वॉशरूम लॉक हो जाता है और उसके कई बार गिड़गिड़ाने के बाद भी हेवन उसका डोर नहीं खोलती। और तभी उसके मिरर का जो इमेज होता है वो अचानक से लाइव होकर उससे बात करने लगता है, जिसे डर कर सोफी की हालत और भी खराब हो जाती है। तो यहाँ ईडन भी फाइनली एलिवेटर को ढूंढ निकालता है, पर उसके एंटर करते ही अचानक से वो लिफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल होता है और काफी झटके खाने के बाद एक अलग ही दुनिया में ओपन होता है। वहां से बाहर आते ही उसे सामने एक गाड़ी दिखाई देती है जिसमें से कोई बेसबॉल बैट निकालता है। तो यहाँ कोनर और मैक्स भी एक अजीब से रूम में आते हैं, जहाँ पे उनके सामने एक छोटा सा पियानो रखा था। कोनर जैसे ही उस पियानो को बजाता है, वैसे ही रूम में स्मोक आने लगती है और डोर्स लॉक हो गए हैं। वही बेनी से एक नोट मिलता है कि इस पूरे मैंशन में से उसे एक सीक्रेट डोर ढूंढना है, जिसमें काफी फ्यूचरिस्टिक गेम है। अब गेम की लालच में वो हेवन के बताए हुए रास्ते पे निकलता है और एक खंडर जैसे जगह जाने के बाद उसे वो सीक्रेट डोर मिलता है, जिसके अंदर उसे एक गेम का वीआर मिलता है। अब उसे एक्सेस करने के बाद वो सीधा एक साइंस फिक्शन वर्ल्ड में चला जाता है। तो यहाँ इस रूम में मैक्स की हालत खराब होने लगती है, तभी कॉनर की नजर पियानो के ऊपर लिखी हुई पहेली पर जाती है, जिसमें लिखा था कि बर्ड्स कौन सा गाना गाते हैं। कॉनर म्यूजिक में एक्सपर्ट होता है और उसे समझ आता है कि ये एक म्यूजिकल नोट है। अब वो म्यूजिकल नोट उसी पियानो पर बजाता है और ऐसा करते ही रूम के सारे डोर ओपन हो जाते हैं। अब इस हादसे के कारण मैक्स एआई के ऊपर भड़क जाती है, क्योंकि उसने लगभग उसकी जान ही ले ली थी। दोनों भी सोचते हैं कि ये गेम उनके जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंशन से बाहर निकलना होगा। तो यहाँ सोफिया अभी भी वॉशरूम में ट्रैप होती है और वो मिरर की इमेज बाहर आने की कोशिश कर रही थी। सोफी पैनिक होने लगती है। सोशल मीडिया के बाहर सोफिया का कोई भी अस्तित्व नहीं था। तो यहाँ पर बेनी गेम खेल रहा था। जब उसके गेमिंग कैरेक्टर को चोट लगती है तो वो चोट उसे भी असल में महसूस होने लगती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और उस सीक्रेट डोर से बाहर आके वीआर का हेलमेट निकलने लगता है, लेकिन वो निकलता ही नहीं है। और हेवन उसे कहती है कि तुम्हें गेम को पूरा करना होगा, इसीलिए बेनी वापस अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों मैंशन से बाहर निकलने का रास्ता देख रहे होते हैं कि तभी वो नाइट रोबोट तलवार लेके इनके सामने आता है। अब एआई के कहने पर कॉनर उस चेयर में बैठता है और वो चेयर एक कॉरिडोर में खींचा जाता है और गायब होता है। वही ईडन के सामने अब उसके पिता आते हैं, जो बैट लेकर उसे बेसबॉल सिखाने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। लेकिन जब भी ईडन गलती करता तो उसके पिता ईडन पर काफी गुस्सा करते। इससे हमें पता चलता है कि ईडन हमेशा से ही बुली नहीं था, पिता के ऐसे बर्ताव के कारण ही आज वो उसी तरह बना है। ईडन को जब ये रियलाइज होता है कि रियल लाइफ में कि वो बिल्कुल अपने पिता की तरह ही बनते जा रहा है, इसीलिए वो फाइनली पिता को कह देता है कि मुझे तुम्हारी तरह नहीं बनना है और ना ही मुझे बेसबॉल सीखना है। उसका ऐसा करते ही वो सिमुलेशन से अचानक बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे सोफिया बाथरूम में उस इमेज को हाइड नहीं कर पाती, तभी एक टाइमर भी शुरू हो जाता है और इस बार हेवन एआई उसे रिवील करता है कि डोर मैंने खोल दिया है, तुम बाहर जा सकती हो। पर उसके बाहर जाते ही उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट हो जाएंगे और अब जाकर सोफिया को रियलाइज होता है कि रियल लाइफ में उसका कोई भी दोस्त नहीं है, उसे कोई भी पसंद नहीं करता। वो हमेशा इसी एटीट्यूड में रहती है कि वो परफेक्ट है, इसीलिए अब वो फैसला करती है कि उसे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है और फाइनली वो वॉशरूम से बाहर कदम रखती है। उसके सारे अकाउंट्स डिलीट हो जाते हैं, लेकिन उसे एक तरह की खुशी महसूस होती है। तो यहाँ पर बेनी का गेम का लेवल इतना ज्यादा खतरनाक हो गया था कि उसे कई बार चोट लगती है, तो वो रोने लगता है और कहता है कि मुझे इससे बाहर निकालो। तभी एआई कहता है कि तुम्हें अगर बाहर आना है तो तुम्हें लेट गो करना होगा, यानी इस गेम में हार जाओ। अब ये सुनते ही वो अपने हाथ छोड़ देता है और उसी से वो फाइनली गेम से बाहर आता है। बेनी का गेम का ऑब्सेशन भी खत्म होता है।
यहाँ कॉनर को देखते हैं। उसकी चेयर उस कॉरिडोर से जाने के बाद एक रूम में आती है जहाँ पे वो एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी शो में फंस गया था। वहाँ पे उसके पेरेंट्स भी होते हैं जो उसे आईवी लीग कॉलेज के स्कॉलरशिप के लिए प्रेशराइज कर रहे होते हैं ताकि वो अगर आईवी लीग में जाता है तो उसके पेरेंट्स की समाज में इज्जत और भी बढ़ जाए। तो यहाँ पे बाहर मैक्स उसी को ढूंढते हुए एक रूम में आती है जहाँ पे उसे एटिकस मिलता है जो उसे एक डोर ओपन करके कहता है कि तुम अगर यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन मैक्स समझ जाती है कि ये एआई हेवन ही है। और तभी वो एआई डिस्क्लोज करती है कि रियल एटिकस इसी घर के बेसमेंट में कैद है। खैर इसके बाद वो नाइट और हेवन मैक्स को जबरदस्ती उस रूम में भेज देते हैं। अब वहाँ जाने के बाद वो अपने पुराने घर के दुनिया में आ जाती है और उस मोमेंट पे पहुँच जाती है जब उसके पिता हमेशा के लिए घर छोड़ रहे थे। अपने पिता को घर से जाता हुआ देख वो बहुत ही इमोशनल होती है। अब उसका टास्क यहाँ पे ये था कि अपने पिता को कन्फ्रंट करना, लेकिन मैक्स अभी तक यही भरोसा करते आई है कि उनके पिता कभी ना कभी वापस आएंगे, इसीलिए वो पूछ नहीं पाती और वो लूप बार बार चलने लगता है। वो अपने पिता को बार बार जाते हुए देख टूट जाती है और उन्हें रोक कर पूछती है कि आप हमें छोड़कर क्यों चले गए, आपने हमें धोखा दिया है। अब उसके पिता उन्हें छोड़ के जाने के लिए माफी मांगते हैं और एक गिफ्ट के तौर पर एक बॉक्स देते हैं जिसके अंदर एक लाल बटन था। वो बताते हैं कि हेवन ने मुझे ये दिया है, इस बटन को दबाते ही रियल लाइफ में मेरे साथ कुछ तो बुरा हो जाएगा, शायद मैं मर भी जाऊंगा, जिससे तुम्हारा मेरे ऊपर जो इतने सालों का गुस्सा है वो शांत हो जाएगा। लेकिन मैक्स अपने पिता को मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो बटन प्रेस नहीं करती और फाइनली अपने गुस्से के ऊपर आकर वो अपने पिता को माफ कर देती है और उन्हें गले लगाती है। उसका ऐसे करते ही वो भी रियलिटी में आ जाती है। वही कॉनर के पेरेंट्स उसके ऊपर बार बार दबाव डाल रहे थे, लेकिन फाइनली वो हिम्मत जुटा कर कहता है कि मुझे आईवी लीग में नहीं जाना, मुझे म्यूजिशियन बनना है, और अपने पेरेंट्स को मना करके वो निकल जाता है, फिर रियलिटी में लौट आता है। अब सभी लोग बाहर आ गए थे लेकिन हेवन उन्हें निकलने के लिए नहीं देती। तभी मैक्स कहती है कि हमें रियल एटिकस को ढूंढना होगा जो बेसमेंट में लॉक है, लेकिन वो रूम में तो उसकी ब्रीथ चाहिए होगी। लेकिन तभी उसे याद आता है कि एटिकस ने उनके लिए गुब्बारे फुला के रखे थे, यानी उसमें उसकी सांसें हो सकती है, इसीलिए वो लोग अब उस बलून को लेने के लिए जाते हैं। लेकिन हेवन को जब इसके बारे में पता चलता है तब वो इन्हें मारने के लिए छोटे छोटे ड्रोन्स को एक्टिवेट करती है जो इनके गुब्बारे और इनके ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन बहुत ही ज्यादा लड़ाई के बाद मैक्स फाइनली छोटे से गुब्बारे को लेकर उस स्कैनर में हवा छोड़ती है जिससे फाइनली डोर अनलॉक हो जाता है और यहाँ आने पर हम देखते हैं बहुत ही बड़ा एआई का ब्रेन होता है। अब हेवन मैक्स को कॉन्ग्रेचुलेट करती है ये पूरा गेम जीतने के लिए, लेकिन मैक्स को पता होता है कि ये हेवन एक मैनिपुलेटिव है, सबकी जान लेने की कोशिश की है, इसीलिए वो अपने पिता का दिया हुआ जो लॉकेट होता है जो उसने गले में पहना था वो उस पीसी में लगाकर एक प्रोग्राम को एक्टिवेट करती है। दरअसल उस ड्राइव में एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है, वो एक्टिवेट करने के बाद हेवन एआई पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके कारण अब आगे का डोर ओपन हो जाता है। वहाँ से नीचे आने के बाद होता है एटिकस जो यहाँ से इन्हीं के ऊपर नजर रखे हुए था। अब मैक्स को समझ आता है कि ये सब कुछ एआई हेवन का नहीं बल्कि एटिकस का ही प्लान था और वो एआई इसी के कहने पर सारी चीजें कर रहा था। तो मैक्स उससे पूछती है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तब एटिकस बताता है कि मैं टेक्नोलॉजी के जरिए इंसानों को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, इंसान के अंदर घमंड, गुस्सा, ट्रॉमा, इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए सालों की थेरेपी लगती है, इसलिए मैंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया था जिससे इंसान अपने इन डिफेक्ट्स को ठीक कर सके। जैसे कि मैक्स और ईडन को अपने पिता का ट्रॉमा होता है जिसके कारण एक बुली बन गया था तो दूसरी बाहर किसी से दोस्ती ही नहीं करती थी, लेकिन इसी एआई के कारण आज दोनों भी ठीक है। वही सोफिया एक घमंडी लड़की थी और आज उस प्रोग्राम के कारण वो सोशल मीडिया से बाहर आ गई थी। वही कॉनर अब खुद के इच्छाओं पर जी सकता है। वही बेनी का गेमिंग का एडिक्शन भी खत्म हुआ था, यानी कि अब सभी लोग प्रोडक्टिव होकर एक अच्छी जिंदगी बिता सकते थे।
मैक्स कहीं ना कहीं उससे राजी होती है, लेकिन उसका इतना खतरनाक खेल उसे पसंद नहीं आता। खैर अब सभी लोग मैंशन के बाहर आते हैं। मैंशन के बाहर मैक्स की माँ भी आई होती है, जो एटिकस को बहुत ही डांट लगाती है बच्चों को ऐसे रात में रखने के लिए। वही आखिरी में मैक्स इस गेमिंग की विनर होती है और उसे और उसकी माँ को ये घर दिया जाता है। मैक्स एक शर्त पे ही लेती है कि हेवन इस एआई को निकाल दे। और इसी तरह ये सभी लोग अपने अपने ऑब्सेशन से बाहर आते हैं और एक अच्छी जिंदगी बिताने लगते हैं। और ये